सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी की परीक्षा में ज्यादातर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि सभी के प्रश्न भिन्न होते हैं। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिनके बारे में बातें तो सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोग करते हैं। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने अहंकारों से नहीं। आज का पंचांग 8 अप्रैल 2020, दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6:07 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:03 से 1:36 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:33 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 8 अप्रैल 2020, दिन बुधवार। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सामान किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, आप ऐसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए लोगों से जल्दी ही परिचय भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। आपको अपने घर पर समय बिताना काफी सुकून देगा और साथ में मानसिक रूप से तरोताजा बनाएगा। इसका सीधा प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा और आप अधिक एकजुटता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। आज के दिन आपके लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। आज अपना काम समय से करें। आज किसी प्रकार से भी टाल मटोल ना करें, नहीं तो यह आपको भारी पड़ सकता है। आए हुए अवसर हाथ से निकल सकते हैं। व्यवसाय में अच्छा दिन रहेगा किंतु सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। किसी भी कागजात को पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। कार्य क्षेत्र में आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। शादी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ना करें। सावधानियां, इस दौरान आपको अपने करीबियों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है तथा विरोधियों से भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यदि किसी तरह का कोई वाद विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयास सफल हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप इसे ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिनके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको प्यार पाना है और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। करियर की बात करें तो व्यवहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन आपके परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचि कर दिखेगा। आप अपने काम को नजरअंदाज ना करें। हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा, आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो आपकी सेहत और मिजाज दोनों ही बहुत अच्छी है। आपके कोई करीबी बीमार पड़ सकता है या बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं, उन पर नजर रखें। जब भी हो सके उनकी मदद करें। घर पर सबके साथ अच्छा समय ही बिताएं। बाहर जाने या खाना खाने से बचें। अच्छा, आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ उठाना चाहिए। आज का उपाय,
आज आप देसी घी के बनी रोटी का हनुमान भगवान जी को भोग लगाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।